विश्वास दिलाना चाहता हूं सबको, इस कॉलेज के अंदर जो बच्ची पढ़ेगी वो गुड़ा पूग देवी तुम्हारा किशोरपुरा का करना दीपरा जहाज माल का मंडावर है सब गांव के आसपास के ये सब की इस गांव के जितने भी लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं वो हमारी सगी बेटियों से 21 की तरह हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनका मान सम्मान होगा। और इसके यहाँ के स्टाफ के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ है, हमारे कॉलेज के हमारे लेक्चरर और हमारे प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं, उन सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ किसी ने ये कहा था कि गुड़ा के अंदर, गुड़ा जैसे गांव के अंदर लड़कियों का कॉलेज थोड़ी होना चाहिए, किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं जवाब देना चाह रहा हूं। संस्कारित गांव है ये, मनसा माता की गोद में बसा हुआ, यहाँ के सारे देवी और देवताओं के मंदिर है यहाँ, और हम हमारी बेटियों को, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब सारे के सारे देवता महिषासुर राक्षस से पराजित हो गए थे तो सारे देवताओं ने जाके भगवान शंकर और विष्णु से प्रार्थना की थी, इंद्र भगवान को साथ ले जाके, और फिर भगवान विष्णु ने जिस देवी को प्रकट किया फिर सारे देवता पराजित हो गए, तो उसके बाद में महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की हम पूजा करते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारी ये बेटियां जो बैठी हुई है। और हम ये आज से शुरुआत करते हैं कि हमारा जो हॉस्टल होगा यहाँ पर कोचिंग होगी, बच्चों को अच्छी क्लासें देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और अच्छे अच्छे यहाँ से बच्चों को कोचिंग दिला के खेल के अंदर, पढ़ाई के अंदर, और बच्चों का आगे बढ़ने के सारे अवसर दिए जाएंगे। जिस जैसा कि खाली जी गठीला बता रहे थे कि गुड़ा गांव तो गुड्डा मंडी नहीं थी, नीम का धाना भी मंडी नहीं थी, गुड़ा मंडी होता था, नारनौल तक के लोग यहाँ से तेल का व्यापार किया करते थे, लेके जाया करते थे, और ये गुड़ा एक आसपास के गांव में आज से 150 साल पहले गुड़ा की मंडी, 100 साल पहले गुड़ा की मंडी को लोग देखने के लिए आते थे। इतना शानदार नक्शे से बना हुआ हमारा गांव, और इस गांव के अंदर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस गांव गुड़ा गांव में ये आज स्वाभाविक रूप से आसपास के सब गांवों का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव है। अभी हम बागोली से गुड़ा को डायरेक्ट घाटी से जोड़ के उधर के गांवों को यहां से जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी आपको बताना चाह रहा हूं, सिक्कर से लेके हमने 24 करोड़ रुपए देके और मंडावरा से मनसा गेट तक की रोड और मनसा माता तक की रोड, इसके बाद में नेवरी से मुंडा भाटा सिद्धि बबाई से रोड, जिस व्यक्ति को सिक्कर से नागौर से खेतड़ी जाना होगा, नारनौल जाना होगा, जिस व्यक्ति को सतनाली जाना होगा, जिस व्यक्ति को बड़ाऊ हमारे हमारे बुहाना सिंगाना जाना होगा, तो वो व्यक्ति मंडावरा से जब नीम का थाना पहुंचेगा उससे पहले इस रास्ते से खेतड़ी पहुंच जाएगा। इतना शॉर्ट रास्ता है, और ये आने वाले जिस तरीके से हम सब लोग मिलके शिक्षा के अंदर हमारे क्षेत्र का विकास करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी रूप से हमारी जो पूंग की सीएससी है उसका डेवलपमेंट करके और हम इस जिले लेवल के हॉस्पिटल के रूप में उसको कन्वर्ट करें आने वाले बजट में, और उससे पहले भी हमें उसकी कुछ फॉरेस्ट से संबंधित हमारी कुछ समस्या है जिनका हमने समाधान कर लिया है। हमारा ये पूंग का जो माल का मंदिर है, पूंग का माल का मंदिर, उस मंदिर में और मनसा माता का जब ये दोनों का जो टनल से जोड़ हो जाता है तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल हो, हजारों यहाँ से टूरिस्ट आए, लोगों को यहाँ रोजगार मिले, विदेशों के पर्यटक हमारे यहाँ लोग आए, और ये हमारा सपना है कि जो हमारे उद्योगपति यहाँ से, हमारे सेठ साहूकार जो यहाँ से बिजनेस और व्यापार के लिए बाहर चले गए थे,
वो वापिस आके यहाँ व्यापार करे और इसके लिए क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है, पता नहीं हर जगह मेरी लोग मेरे शुभ चिंतक लोग बहुत ज्यादा है। कॉलेज का नींव हमने लगाई थी, इस हॉस्टल की नींव के आप साक्षी हो। और इसके साथ साथ आज मैं बताना चाह रहा हूं, स्कूल के बाद में हमारे गांव के अंदर 7 पंचायत गुड़ा से इधर है, मैनपुरा और गुड़ा के बीच में 10 पंचायत मुजफ्फरवाड़ी और गुड़ा के बीच में है। इन 17 पंचायतों में पहाड़ी बेल्ट है, ये इधर इनके अंदर आज भी बच्ची को बेटी को स्कूल के बाद में जब कॉलेज में भेजते हैं दूर, तो माता पिता के दिमाग के अंदर एक पुरानी दिमाग रहती है, बात रहती है कि मेरी बेटी के जो संस्कार हैं उसकी सुरक्षा को लेके, उस बेटी की सेफ्टी को लेके माता पिता चिंतित रहते हैं। और उनको पता है कि वो अलग से, अब उनको पता है कि लड़कियों का कॉलेज है और इसमें पढ़ने वाली लड़के होंगी और हॉस्टल में भी लड़कियां रहेंगी, हॉस्टल की वार्डन भी महिला ही होगी। और वो माता पिता को ज्यादा संतोष होगा कि हमारी बेटी एक लड़कियों के कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जा रही है। और मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन सब